नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। इस समय पुलिस का महकमा उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़े यूपी पुलिस के कई मामले सामने आए हैं। उन मामलों पर न्याय की नजीर भी पेश हुई। योगी सरकार में सबके साथ समान न्याय होगा, इसका जीता जागता उदाहरण भी देखने को मिला। पहले तो मामला उन्नाव से आया, जहां पर सीओ रहे कृपा शंकर कनौजिया को शासन ने सिपाही बना दिया। ये मामला सिपाही एक महिला सिपाही के साथ कानपुर के होटल में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने का था। वहीं दूसरी तरफ यूपी कैडर के आईपीएस अंकित मित्तल को सस्पेंड कर दिया गया और मामला एक बार फिर से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़ा हुआ निकला। और पत्नी की शिकायत के बाद अंकित मित्तल पर ऐसी कार्रवाई हुई जो सब हमेशा याद रखेंगे। साथ ही पुलिस में आशिक मिजाजी का रवैया यही नहीं रुका। बता दें आपको, आगरा में एक ट्रेनी महिला दारोगा को रात में फोन करके अश्लील बातें करने वाले थाना प्रभारी, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया। जी हाँ, ये मामला यूपी पुलिस से है। पुलिस जो सुरक्षा का वादा करती है वही अब सवालों के घेरे में। लेकिन साहब, ये यूपी है जहां गलती की माफी नहीं बल्कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, और वो भी सजा भी ऐसी जो नजीर बन जाए। तो आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम इन्हीं मामलों को गहराई से देखेंगे, गहराई से जानेंगे आखिर क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में डिप्टी एसपी रहे कृपा शंकर कनौजिया को उनकी एक गलती भारी पड़ गई और अब वो इसी गलती की वजह से एक अधिकारी से सीधे सिपाही बना दिए गए। ये है बेझिझक एक्शन लेने वाले योगी सरकार, जहां कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक गलती करने पर नाप दिए जाते हैं। कृपा शंकर कनौजिया को उनकी कौन सी गलती भारी पड़ी, ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि सीधा अधिकारी से उन्हें सिपाही का टैग दे दिया गया, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। योगी राज में न्याय की नजीर, प्रदेश में हर तबके को इंसाफ, यहां सबको मिलेगी गलती की सजा। सीओ ने की गलती, बना दिया सिपाही। देश में अक्सर अजब गजब मामले सुनने में आते हैं। कुछ खबरें आम जनता की, कुछ खास की, और कुछ खास खबरें प्रशासनिक कुंडों से। किसी व्यक्ति विशेष की गलती पूरे विभाग पर दाग लगा जाती है। लेकिन यूपी में योगी राज के दौरान इंसाफ की तराजू तो सबके समान सजा देती है। यहाँ योगी राज में गलती की सजा अनिवार्य मानी जाती है। ऐसा ही एक मामले पर योगी सरकार के इंसाफ का फैसला आया है। पुलिस अफसर सीओ घर जाने की छुट्टी लेता है और घर न जाकर पत्नी समेत पूरे डिपार्टमेंट को गुमराह करता है। सीओ साहब तो छुट्टी होटल में सहयोगी महिला सिपाही के साथ बिताते हैं, जिसके बाद पत्नी ने शिकायत की, पुलिस ने खोजबीन की, भेद खुला, जांच हुई और अब फैसला आया है। योगी सरकार का फैसला भी ऐसा जो नजीर बने, फैसला ऐसा जिससे एक बार फिर सिद्ध हुआ कि योगी सरकार में न्याय सबके लिए है और समान रूप से है। गलती की सजा, सीओ को बनाया सिपाही। मामला उन्नाव में तैनात सीओ कृपा शंकर कनौजिया के मामले से जुड़ा है, जो कुछ समय पहले कानपुर के एक होटल से महिला सिपाही के साथ पकड़े गए थे। मामला साल 2021 का है। उन पर विभाग के साथ साथ पत्नी को भी धोखा देने का दाग लगा। विभाग और पत्नी को दिए गए धोखे की वजह से ही वो फंस गए। लखनऊ में अपर पुलिस महानिदेशक के आदेश के बाद उन्नाव के सीओ को डिमोट कर दिया गया। कृपा शंकर कनौजिया को सिपाही बना दिया गया। अब वो 26 बटालियन के सिपाही के तौर पर पीएससी गोरखपुर में तैनात है। सीओ साहब पर कैसे लटकी तलवार? क्षेत्राधिकारी रहे कृपा शंकर कनौजिया एक महिला सिपाही के साथ जुलाई 2021 में कानपुर के होटल में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए थे। वो उस दौरान पकड़े गए जब उन्होंने घर जाने का कहकर विभाग से छुट्टी ले रखी थी। देवरिया के रहने वाले कृपा शंकर उन्नाव जिले के बीघापुर सर्किल में तैनात थे और घर जाने का बोलकर कानपुर के एक होटल में छुट्टियां काटते रहे। जाने क्या है पूरी घटना। जुलाई 2021 में कनौजिया बीघापुर सर्किल में तैनात था। सहयोगी महिला सिपाही के साथ प्रेम संबंध का मामला। कृपा शंकर ने इलाज के लिए घर गोरखपुर जाने के लिए छुट्टी ली, पत्नी को भी आने की जानकारी दी, लेकिन पत्नी ने कॉल की तो फोन बंद मिलता रहा। कृपा शंकर अक्सर अपनी हत्या की आशंका जताता था। अनहोनी का सोचकर पत्नी घबरा गई।
पत्नी ने एसपी उन्नाव आनंद कुलकर्णी को कॉल कर चिंता जताई। सर्विलांस सेल को कृपा शंकर के लोकेशन मॉल रोड कानपुर पता चला। कानपुर के होटल में महिला सिपाही के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी गई। महिला सिपाही और कृपा शंकर कनौजिया दोनों शादीशुदा थे। 6 जुलाई 2021 को कृपा शंकर कनौजिया ने इलाज के लिए घर गोरखपुर जाने के लिए छुट्टी ली थी, लेकिन घर न जाकर अपने नाम से ही कमरा बुक किया और महिला सिपाही के साथ माल रोड स्थित होटल में ठहरा। इस दौरान उस समय सीओ रहे कृपा शंकर ने सीयूजी और पर्सनल दोनों फोन बंद कर लिए, जिस पर पति ने कॉल कर एसपी उन्नाव से चिंता जताई। चिंता इसलिए भी क्योंकि कृपा शंकर अक्सर अपनी हत्या की आशंका जताता था, जिससे फोन बंद होने से अनहोनी की आशंका हुई और फॉरेन डिपार्टमेंट एक्टिव हुआ और सर्विलांस सेल को लास्ट लोकेशन माल रोड कानपुर के एक होटल की मिली। उन्नाव और कानपुर की संयुक्त टीम होटल पहुंची तो पता चला कि शाम 5 बजे से सीओ एक महिला के साथ कमरे में है और रूम बुकिंग में भी उनकी ही आईडी लगी हुई थी। होटल पहुंची पुलिस रह गई दंग। लोकेशन पता चलने और मामले की तस्दीक के बाद पुलिस होटल पहुंची। कमरा नंबर 201 खटखटाया गया, लेकिन कृपा शंकर ने दरवाजा नहीं खोला। ऐसे में होटल मैनेजर को खुद जाना पड़ा और कमरा खुलवाया। होटल मैनेजर के पहुंचने पर पुलिस देखकर कृपा शंकर हक्का बक्का रह गए। उनका भेद खुल गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए वीडियो में सीओ और उनकी सिपाही महिला मित्र एक साथ दिखे। सबूत के तौर पर उन्नाव पुलिस वीडियो अपने साथ ले गई और मामले पर विभागीय जांच शुरू हुई। आशिक मिजाजी के पहले भी रहे चर्चे। इस भंडाफोड़ के बाद कृपा शंकर को सस्पेंड कर दिया गया था और अब दंड भी मिला है, लेकिन इससे पहले भी कृपा शंकर के आशिक मिजाजी होने की खबरें रही हैं और एक बार इस रवैये को लेकर ट्रांसफर भी लेना पड़ा। पुलिस सूत्र बताते हैं कि कृपा शंकर गोंडा से तबादले में उन्नाव भेजे गए थे। यहाँ बीघापुर सर्किल में तैनात हुए तो बिहार थाने में तैनात एक महिला दरोगा को परेशान किया, उसे अभद्र मैसेजेस भेजे, विरोध किया तो उन्होंने दरोगा की विभागीय फाइल खोल दी और फिर परेशान होकर दरोगा ने ट्रांसफर करवा लिया और उसी दौरान महिला सिपाही उनके संपर्क में आई और दोनों में नजदीकियां बढ़ गई। लखनऊ में अपर पुलिस महानिदेशक के आदेश के बाद उन्नाव के सीओ को डिमोट कर सिपाही बना दिया गया। जांच के बाद 18 जून को विभाग ने निर्देश दिया। अब वो 26 बटालियन के सिपाही के तौर पर पीएससी गोरखपुर तैनात है। अब उनके कंधे के सितारे छीन लिए गए हैं। पीएससी के सिपाही के तौर पर करियर शुरू करने वाले कृपा शंकर फिर से सिपाही बना दिए गए हैं। वहीं महिला सिपाही अभी उन्नाव के माकी थाने में तैनात है। इस बवाल के बाद महिला सिपाही के पति ने उसको तलाक दे दिया है। इस कांड के बाद विभाग की छवि धूमिल करने के चलते रिपोर्ट शासन को भेजी गई और एक्शन एक नजीर के रूप में पेश हुआ। विभाग को धोखा देने वाले पदासीन सीओ को सिपाही बना दिया गया। ये है योगी सरकार का सम्मान और स्पष्ट न्याय। ऐसे ही नहीं, सत्ता में आने के बाद से योगी सरकार की छत्र छाया में यूपी सुशासन और विकास के नए दौर से गुजर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं जहां एक और उन्नाव से खबर आई कि एसपी पर कार्रवाई हुई, जिसमें एसपी को सजा के तौर पर पद से डिमोट करके सिपाही बना दिया गया। साथ ही साथ एक और ऐसा ही मामला गोंडा से सामने आया, जहां शादी के बाद एक आईपीएस अधिकारी का किसी अन्य महिला के साथ संबंध की खबर सामने आई। फिर क्या था, पत्नी ने शिकायत की। शिकायत के बाद एक बार फिर न्याय का चाबुक चला और एक बार फिर कार्रवाई नजीर बन गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की दास्तां, एक घरवाली और एक बाहर वाली, एक और पुलिस अधिकारी का कारनामा, आईपीएस अधिकारी पर चला न्याय का चाबुक। तू मेरा नहीं मैं।
तो देखा आपने किस तरह से एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में, इस गलती के चक्कर में पर्सनल के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ भी तबाह हो गई। और यूपी पुलिस के अफसरों के तो ऐसे कई दिनों इन दिनों कई सारे कारनामे सामने आ रहे हैं और ज्यादातर मामले रंगीन मिजाजी के ही हैं। ऐसा ही एक और मामला आगरा से भी सामने आया, जहां पर एक थानेदार साहब पर एक ट्रेनी महिला दारोगा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है वो गंभीर आरोप, देखिए इस रिपोर्ट में। महिला दारोगा को कमरे में बुलाने वाला थानेदार, थानेदार को रंगीन मिजाजी पड़ गई भारी। ट्रेनी महिला दारोगा ने कर दी शिकायत, साहब के पुराने हैं रंगीन मिजाजी के किस्से, पहले भी लग चुके हैं कई गंभीर आरोप। यूं तो उत्तर प्रदेश पुलिस के कई कारनामे सामने आते रहते हैं, एक ऐसा ही मामला आगरा के एतमादुल्ला थाने से सामने आया है, जहां पर थाना प्रभारी को आशिक मिजाजी भारी पड़ गई। दरअसल थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार मिश्र बड़ा गंभीर आरोप उन पर लगा है। आरोप लगाने वाली ट्रेनी महिला दारोगा है, जिन्होंने दुर्गेश कुमार मिश्र पर आरोप लगाया है। दरअसल एतमादुल्ला थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार मिश्र पर ट्रेनी महिला दारोगा ने गंभीर आरोप लगाए थे। आगरा कमिश्नर को लिखे पत्र में महिला दारोगा ने कहा था कि थाना प्रभारी उस पर बदनीयत रखता है, उसको होली के दिन जबरन थाने में बिठाए रखा था और फिर उसको अचानक पकड़ लिया, यही नहीं उसको किस करने लगा, विरोध करने पर बोला अगर तूने किसी से कुछ कहा तो रपट लगा दूंगा। ट्रेनी महिला दारोगा ने कहा कि नई नौकरी है, छूट जाएगी, इसीलिए बर्दाश्त कर लिया। लेकिन थाना प्रभारी की अश्लील हरकतें बंद नहीं हुई। 20 जून को रात 12 बजे फोन करके थाना प्रभारी ने कहा कि बहुत गर्मी है, मेरे कमरे में एसी लगा है, यहाँ आकर सो जा। मना करने पर उसको थाने से हटाने और उसे बदनाम करने तक की धमकी दी। महिला दारोगा को रात में फोन करके कमरे में बुलाने वाला थाना प्रभारी निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर पर भी गाज गिरी है। वहीं आगे की जांच की जिम्मेदारी एसपी इत्मादपुर को दी गई है। कमिश्नर को लिखे पत्र में महिला दारोगा ने कहा कि थाना प्रभारी उसको थाने में ही कमरा दिलाना चाहता था, लेकिन जब उसने बाहर कमरा ले लिया तो उसके खिलाफ रपट लगा दी। थानेदार शादी नहीं होने देना चाहता है, अपने साथ रखने के लिए दबाव बनाता है। डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि ट्रेनी महिला दारोगा की शिकायत पर थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार मिश्र और सब इंस्पेक्टर अमित प्रसाद को निलंबित कर दिया गया। जांच में दोनों को दोषी पाया गया है और इस पूरे मामले की बारीकी से जांच करवाई जा रही है। देखिए, ये कल एक अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर ने एक प्रार्थना पत्र पुलिस आयुक्त महोदय के पास दिया, जिसमें एसएचओ के विरुद्ध गंभीर आरोप थे और नियमानुसार आयुक्त महोदय ने उसको एसीपी इत्मादपुर महिला एसीपी को जांच के लिए मार्क किया था। एसीपी इत्मादपुर ने प्रथम दृष्टया टाइम ऑफ एसआई अपने इंक्वायरी में सचिव इत्मादुल्ला को दोषी पाया है और एसएसआई इत्मादुल्ला को भी दोषी पाया है और उसके क्रम में आयुक्त महोदय ने सचिव इत्मादुल्ला को निलंबित किया गया, एसएसआई इत्मादुल्ला को भी निलंबित किया जा रहा है और पूरी जांच डीसीपी इत्मादपुर के द्वारा जो पूरी कर ली जाएगी तो उसके आधार पर आवश्यक जो भी कार्रवाई हो, जो भी दोषी पाए जाते हैं संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ महिला दारोगा की शिकायत को पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ ने गंभीरता से लिया। उन्होंने एसीपी इत्मादपुर सुकन्या शर्मा को जांच सौंपी। इस मामले में पुलिस कमिश्नर ने दोषी पाए जाने पर दंडित करने के आदेश भी दिए। हो सकता है कि थाना प्रभारी पर केस भी दर्ज हो जाए। थानेदार साहब के रंगीन मिजाजी के किस्से पुराने हैं। थानेदार इससे पहले बुलंदशहर में तैनात थे, तब भी उन पर एक महिला आरक्षी ने गंभीर आरोप लगाए थे। महिला आरक्षी को अपने साथ कमरे में रखने का उन्होंने दबाव बनाया, उसे कमरे पर ले जाने के लिए उसके मकान पर पहुंच जाते थे। इसके अलावा थाना एतमादुल्ला में ही कुछ दिनों पहले एक महिला से उनकी व्हाट्सएप चैट भी वायरल हुई थी। थानेदार ने उसके कमरे पर आने की इच्छा जताई थी, जिस पर महिला ने मना कर दिया तो गुस्से वाला इमोजी भेजा था। इसकी शिकायत भी पुलिस के बड़े अधिकारियों तक पहुंची थी, लेकिन अफसरों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। बावजूद इसके थानेदार की रंगीन मिजाजी नहीं सुधरी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इस तरह के आशिक मिजाज अफसरों पर गाज कब गिरेगी और कब महिलाओं का शोषण होना बंद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
बिल्कुल, और देखिए ये किस्से हैं उन पुलिस वालों के, जिन पुलिस वालों के ऊपर जिम्मेदारी होती है रक्षक बनकर लोगों को बचाने की, लेकिन अगर वो खुद ही भक्षक बन जाए तो भला उनसे कौन बचाए, कैसे बचाए। लेकिन ये योगी सरकार है जनाब, यहाँ पर गलती की सजा मिलती है, माफी नहीं। और ये जो पुलिस वाले सामने आए, इनके किस्से कहानी सामने आए, इनकी रंगीन मिजाजी सामने आई, एक एक करके सबके खिलाफ एक्शन लिया गया, सख्त कार्रवाई, और ये कहीं ना कहीं नजीर पेश करते हुए कि आगे भविष्य में अगर किसी ने इस तरह की जरूरत की तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।